I'm going to. Namaste everyone, and today we bring to you yet another session, a beautiful session. It's going to be a very interactive journey. तो मैंने सबको कहा था कि ये वाला सेशन मैं हिंदी में लूंगी, है ना. तो मैं प्रयास करूंगी हिंदी में ज्यादा बोलने का, बट नेचुरली इंग्लिश की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाते हैं. तो ये देवी दी फाउंडेशन का, मुझे एक सेकंड दीजिए, मुझे जरा सा सेटिंग ठीक करनी पड़ेगी. ये देवी दी फाउंडेशन की का मुहिम है, जहाँ पे हम विमेन एम्पावरमेंट पे और कल्चर पे बहुत सारा काम करते हैं, और उसी के तहत आज हम ये लेके आए हैं सेशन मदर गॉडेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड. जी हाँ, हम समझते हैं कि मदर गॉडेस सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में है, है ना. परंतु हम हैरान रह जाएंगे ये जान के कि ये जो हमारी देवी माँ है ना, ये ना जाने कहाँ 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 पाई जाती है, सर्वत्र पाई जाती रही है. ये सर्वत्र पूजी जाती थी, परंतु अब इनका नामो निशान काफी कुछ सिमट गया है. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गो ऑन म्यूट, बिकॉज अगर आप लोग सेल्फ म्यूट करेंगे तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज आवाज आती है. यलोनिका, कैन यू हेल्प मी विद म्यूटिंग एवरीवन बेटा. तो जो आज का सेशन रहेगा ना, मैं इन एंड आउट आप पे ले जाऊंगी. मैं आपको वैदिक काल में भी लेके जाऊंगी, मैं आपको बीच के मध्य काल में लेके आऊंगी, फिर मैं आपको प्रेजेंट में लेके आऊंगी. कभी हम यूरोप जा रहे होंगे, कभी हम अमेरिका जा रहे होंगे, कभी अफ्रीका, कभी ऑस्ट्रेलिया, और कभी अपने भारतवर्ष. तो इस तरीके का ये पूरा टॉक है, जहाँ पे हम देखेंगे कि देवी माँ के पदचिन्ह कहाँ कहाँ पे हैं और कब से हैं, और क्यों वो वहां नहीं पूजी जाती, और क्यों यहाँ पे वो सनातन परंपरा चली आ रही है कि हम उन्हें तब से लेके आज तक पूजते चले जा रहे हैं उनके विभिन्न स्वरूपों में. और आज का डे क्यों चूज करा, आज का डे इसलिए चूज करा क्योंकि आज सेकंड नवरात्र है. सेकंड नवरात्र, पहले दिन जब नवरात्र शुरू होते हैं, नवरात्र यानी 9 दिन, पहले नवरात्र में तो बहुत कुछ हो रहा होता है. सब सबों के घरों में जो मानते हैं देवी की स्थापना होती है, और बहुत सारा समय लग जाता है सेकेंड डे तक हम लोग सेटल हो जाते हैं, इसीलिए आज का दिन चूज किया गया. 9 दिन में 9 देवियां हम पूज तो लेते हैं, परंतु हमें समझ नहीं आता. कई बार हम जानते भी हैं, परंतु हमें फिर भी पूरी तरह से ग्रास्प नहीं होता ये है क्या. ये जो नव दुर्गा जिसे कहते हैं, ये जो 9 देवियां हैं, ये जो 9 दिनों में पूजी जाती हैं, ये है क्या. कुछ तो हम लोग करते चले आ रहे हैं कि परंपरा है तो करना है, ऐसे करते चले आ रहे हैं. परंतु परंपरा जो हम फॉलो करते हैं, उसके पीछे अगर हम उसकी साइंस जान लें, उसके पीछे अगर हम वो पूरी प्रक्रिया जान लें कि वो कैसे होता है, तो ना सोने पे सुहागा बन जाता है. परंपरा मानना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इफ यू नो द बैकग्राउंड इट इज मच मच बेटर. तो आइए मैं इसी इन्हीं शब्दों के साथ और देवी माँ का स्मरण करते हुए आपको अपने स्क्रीन शेयर में ले चलती हूँ और बताती चलती हूँ. तो स्क्रीन शेयर भी कभी बंद होगा, कभी खुलेगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वैसे ही करेंगे, इंटरैक्टिव रहेगा. अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप बीच में डाल सकते हैं. वैसे लास्ट के 10 टू 15 मिनट्स हमेशा क्वेश्चन आंसर्स के लिए होते हैं. तो होता क्या है, जो हमारे मन में प्रश्न आता है जनरली टॉक के दौरान वो आंसर भी हो जाता है. तो अगर आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप चैट पे डाल दें, और या तो लिख लें. आई एनकरेज पीपल टू राइट. सेकेंडली आई एनकरेज ऑल द पीपल प्रेजेंट टू ओपन देयर लैपटॉप्स एंड लॉग इन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी. परंतु जो फोन से लॉग इन है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप लोग मेरे सेशंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप लोग बड़े डिवाइस से अपने आप लॉग इन करेंगे, है ना. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को ले चलती हूँ वैदिक मदर गॉडेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. Okay, I just need one indication from somebody, Lonika, or somebody else, if you are able to see my screen share. You can just let me know, anybody, one indication. Yes, Lonika. Ma'am, your screen is freezed. It's screen, right? You can see the Vedic Mother Goddesses, right? Chaliye. Ab, jitna mujhe samajh mein aa raha hai, sabko screen share dikh raha hai. अच्छा, पर प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आवाज आती चली जा रही है.
तो जैसा हमने कहा था, अब हम चलते हैं इस अनूठी यात्रा के ऊपर। अब इस यात्रा में ऐसा क्या है? यात्रा में ये है कि जो हम वेदास और वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं ना, वो होती क्या है? ये वेद होते क्या हैं? और तो जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि दे आर द ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट बुक बॉडी ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड। या अगर हम उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स बताते हैं, तो वो सबसे पुरानी है, सबसे पुरातन है। इतने पुरातन के जब ये सो कॉल्ड यूरोप है, जब यहाँ पे कुछ सभ्यता नहीं थी, उससे भी पहले से हमारे यहाँ इस देश में ये सारी नॉलेज कोडिफाइड हो गई थी। और ये कैसे आई? जब हमारे ऋषि गहन तपस्या में बैठते थे, और जब उनकी गहन तपस्या में उन लोगों ने बहुत सारी चीजों के वो दृष्टा बन जाते हैं, तो वो जब वो दृष्टा बन गए, तो बहुत सारी नॉलेज उनके पास रिवील होती चली गई। प्लीज अपने आप को म्यूट करिए लोनिका, प्लीज म्यूट एवरीवन, कैन यू डू दैट डियर? देरी में डब्बी तो नहीं लेनी, इसी में बैसलिंग होती है। आप ये लोग अभी खोलना। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, तो लेट मी गो बैक टू माय स्लाइड। तो जैसा कि सेकेंड, हाँ, मैंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब जो पुराने लोग थे ना, वे नेचर के साथ रहते थे, तो सूरज को और अग्नि को और वायु को और इन चीजों से अपना बचाव करते हुए उनको जीना पड़ता था। तो वे इन उन्हीं की पूजा करते थे, और उन्हीं को उन्होंने अपने देवता बनाए थे। अब जब हम ऋग्वेद का वर्णन लेते हैं ना, तो ऋग्वेद में विश्वामित्र के नाम से ये वाला मंत्र कहा जाता है, जिसमें ये भारत का विवरण है। विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम। तो ये वाला मंत्र मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी। ये क्या है? ये जो लैंड जिसे हम भारत बोलते हैं ना, इसकी हम लोगों को आर्यन सिविलाइजेशन में कहा गया, आर्यन इस पे इन्वेजन में कहा जाता है कि ये आपका नहीं है, आप तो भारत के बाहर से आए हो, और आपने यहाँ पे द्रविड़ों को मार के भगा दिया, और आपने ये लैंड ऑक्यूपाई कर लिया। परंतु जब हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये देश, ये राष्ट्र तो सदा से ही हमारा था। यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये भारत माता की है। और वेदों में, रामायण में, महाभारत में, हर जगह इस पूरी लैंड का, एक ज्योग्राफी का, एक टोटैलिटी का हमें वर्णन दिया गया है कि ये भारत है क्या। भारत जिसे हम एक ज्योग्राफिकल एंटिटी समझते हैं, और जो यहाँ का सिविलाइजेशन, यहाँ का कल्चर है, वो है क्या? जब हम अध्ययन करते हैं, तो बाहर के जो लोग आए ना, वो बहुत सारा लिटरेचर छोड़ के गए हैं। जैसे चाइना के हम लोग हमेशा गुरु होते थे, तो चाइनीज ट्रैवलर्स ने बहुत सारा कुछ लिखा है। जैसे मार्को पोलो ने लिखा है कि यहाँ के लोग हमेशा साइंटिफिक परस्यूट्स में रहते थे, रिलीजियस थे, अफेक्शनेट थे, हॉस्पिटेबल थे, वॉर्म थे, कोई यहाँ पे झूठ नहीं बोलता था, बहुत सुंदर यहाँ का कल्चर था, और क्लेनलीनेस और गॉडलीनेस और सेल्फ डिसिप्लिन जबरदस्त थी। ये सारे वे हैं जो भारत के बाहर के लोग बोल रहे हैं भारत के बारे में, ये हम नहीं बोल रहे। और आर्य क्या है? आर्य वो है जब हम एक्सेल करते हैं अपने कंडक्ट में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, उन्हें आर्य कहा जाता था। आर्य वो होते हैं जिनकी बोली, जिनकी भाषा एकदम प्योर होती है। अब जब हम संस्कृत के मंत्र यूज करते हैं, उसमें बहुत प्योरिटी चाहिए होती है। तो और तो हम जो हमारे यहाँ बाहर के लोग आते थे, उन्हें हम म्लेच्छ बोलते थे। म्लेच्छ इसलिए कहते थे क्योंकि उनके अंदर वो प्योरिटी नहीं थी, है ना, और कोई रीजन नहीं था, और वे हमारी संस्कृति से अलग, संस्कृति के विरुद्ध वो संस्कृति थी जहां से ये लोग आए थे। अब हमें सो कॉल्ड यूरोपियन सुपीरियोरिटी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है कि जब हम कुछ भी नहीं थे, हमारा देश बहुत खराब था, और यूरोप वाले आए, ये कलोनियलिस्ट आए, और इन्होंने हम पे कब्जा करके इन्होंने हमें एक बनाया। पहले तो हम अलग अलग बटे हुए थे, हम एक कभी थे ही नहीं, भी ये हमेशा बोलते हैं। इन्होंने हमें एक बनाया। ये देखने की बात ये है कि ये जो है मोहनजोदड़ो का है, ये जो मैंने पिक्चर लिया है, और ये वहां का। अब ये अंग्रेज जब इन एक्सकवेशन में, जब ये सिटीज एक्सकवेट हुई, तो इनके मुंह से एक ही चीज निकली, वाओ, व्हाट सैनिटेशन। उस जमाने में भी हम भारतीयों के पास, इंडस वाले सिविलाइजेशन वालों के पास सैनिटेशन था। क्यों? क्योंकि इनके वहां पे पेरिस हो, या चाहे लंदन हो, चाहे इनकी सिटीज हो, 1850 तक
कोई सैनिटेशन नहीं था, सारा मल मूत्र वहां पे सड़कों पे पड़ा होता था, एंड मैन्युअली उठा उठा के ये लोग थेम्स में या वहां पे पेरिस के रिवर्स में डालते थे, और वहां पे लो कास्ट यूरोपियंस ये काम करते थे। जो कास्ट सिस्टम इन लोगों ने बताया है कि हमारे यहाँ था वो मेनली उनके यहाँ था, हमारे यहाँ तो जाति वर्ण रहा है, और जाति वर्ण वो रहा है जो ऑक्यूपेशन होता है। जैसे अगर कोई लोहार है तो वो लोहाना जाति, अगर कोई सुनार है तो वो सुनार, इस तरीके से जाति और बन रहा है। इन लोगों ने हमें डिवाइड एंड रूल करने के लिए वो जबरदस्त जाति को कास्टिज्म कह के बहुत बहुत रायता फैलाया है हमारे देश में। इन एनी केस ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ लंदन का एक कार्टून है, ये वहां के लोकल लोगों को दिखाया है कि किस तरीके से गिरे पड़े, दुबले पतले, गरीब, एब्सोल्युटली गरीब। और जब हमारे यहाँ जब इस तरीके की सिटीज थी जहाँ पे सारा सैनिटेशन था, अथर्ववेद में, सब वेदों में हमारे बारे में कहा जाता था, हम लोग पिनिकल पे थे सिविलाइजेशन के, कल्चर में, रिलीजन में, फिलोसफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, साइंटिफिक नॉलेज में, हर तरीके से इतनी ऑर्गेनाइज्ड और वेल डेवलप्ड सोसाइटी थी। जब ये सारा यूरोप कहाँ बसा हुआ था, ये सारा यूरोप आइस एज में कवर्ड था। अब ये देखिए, ये पूरी सिंधु सरस्वती नदी के आसपास के सिविलाइजेशंस हैं, इतने सारे हमारे सिटीज, हमारा जीडीपी पूरे वर्ल्ड का 32% होता था, जो अंग्रेजों के जाते जाते मात्र 2% रह गया। जब हम टॉप में थे, ये पूरा यूरोप का कोई नामो निशान नहीं है, इंग्लैंड कहाँ है वो हमें दिख नहीं रहा, यूरोप की जो कंट्रीज जिनको हम आज जानते हैं वो है ही नहीं उस स्वरूप में। ये है अखंड भारत, भारत की वो का वो मैप जो अंग्रेजों का लिया गया है ब्रिटिश राज के समय का, अगर आप देख पा रहे हैं तो, जो इतना छोटा सा जो हमें दिखता है आज रह गया है, ये आप खुद देखिए कि अंग्रेजों का समय का पहले उन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान काटा, अफगानिस्तान 150 साल पहले हम ही थे, उसके बाद 1947 में उन्होंने पाकिस्तान काटा, उन्होंने ये जो सारा हमारे ये साउथ ईस्ट के ये सारे हैं वो एक एक करके करते चले गए, हमें ये बताते चले गए कि तुम कुछ भी नहीं हो, जो भी है हम यूरोपियन सुपीरियोरिटी, और हम उनको मानते चले गए। ये स्लाइड्स मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि अच्छा, अब देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं स्क्रीन शेयर के बीच में आती रहूंगी, जाती रहूंगी, आप लोगों से बातें करती रहूंगी। अब आप लोग जो नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करूंगी ना, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए पहले नेक्स्ट 2 स्लाइड्स के लिए पहले आप अच्छे से देख लीजिए कि मैं किस तरीके से तैयार हुई हूँ। मैंने बिंदी लगाई है, काजल लगाया है, चूड़ियाँ पहनी है मैंने, मांग में यहाँ बीच में संदूर भी भरा था, मैंने इयररिंग्स पहने हैं, मैंने नेकलेस पहना है। हम हमेशा इस राष्ट्र में, हम लोग हमेशा शौच के, क्लेंडिनेस के, अपने आप को सजाने के, अपने आप को अच्छी तरीके से रखने के लिए तन मन और धन से हम लोग जाने जाते हैं। क्यों हम लोग इसलिए जाने जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये उस डिवाइन का वाहन है, ये उस परमात्मा का वाहन है जो हमारे अंदर है, और जो हमारे अंदर है उसको अच्छी तरह से फ्लावर करना, उसको अच्छी तरह से अपना हाईएस्ट पोटेंशियल पे अगर पहुंचना होगा तो ये शरीर को हमें स्वस्थ रखना पड़ेगा, हमें अपने मन को स्वस्थ रखना पड़ेगा, हमें हमारे तन को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और हमें इसको सजा संवार के रखना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हम आज तैयार होते हैं वही सदियों से चला आ रहा है। ये लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ और है, हरप्पा कुछ और है, मोहनजोदारो कुछ और है, सरस्वती वैली सिविलाइजेशन कुछ और है। ये लोग मानते ही नहीं कि ये सारा वैदिक सिविलाइजेशन का ही एक अंग है। जैसे आज बॉम्बे है, चेन्नई है, कोलकाता है और दिल्ली है ना, तो हम ये तो नहीं कहते कि इंडिया कहीं और है और बॉम्बे और चेन्नई और कलकत्ता ये अलग 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 लोग हैं। हम यही कहते हैं ना कि ये पूरा भारतवर्ष है और ये सारे इसके अलग अलग स्टेट्स हैं, इसके अलग 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 यूनिट्स हैं। परंतु ये लोग क्या बता देते हैं, ये लोग कह देते हैं इंडस वैली कुछ और था और ये कुछ और था, ये कुछ और, क्योंकि ये मानना ही नहीं चाहते कि हमारी सिविलाइजेशन इतनी एंटिक्विटी है। हमारे यहाँ ब्रह्मा से आगे पूरे रिकॉर्ड्स हैं, कौन से काल में कौन से किंग, कौन से एम्परर यहाँ पे आए और हमारे फुटप्रिंट्स कहाँ तक गए, ये पूरे रिकॉर्ड्स हमारे पुराणों में है, हमारे रामायण में है और हमारी महाभारत में। इसीलिए
इसलिए ये अंग्रेज कॉलोनियलिस्ट ने इसको पूरा मिथ्या बता दिया, इसे पूरी माइथोलॉजी बता दिया और हमें अपने ही इतिहास से दूर कर दिया। हमें ये कहा कि महाभारत घरों में मत रखो, क्यों? क्योंकि लड़ाई हो जाएगी। हमें ये कहा गया रामायण तो सब माइथोलॉजी है, रामायण में कुछ भी ट्रुथ नहीं है। पर जब हम इनका अध्ययन करते हैं हम समझ जाते हैं कि ये इनकी सोची समझी चाल थी। अगर हम अपने इतिहास से जुड़ जाएंगे, अगर हमें पता लग जाएगा कि हमारी बैकग्राउंड क्या है, तो हम प्राइड के साथ खड़े होंगे और हम इनका दिया सब कुछ स्वीकारेंगे नहीं, हम हमारे अंदर इंफीरियोरिटी नहीं होगी, है ना। तो अब जो लेक्स दो स्लाइड्स है मैं आपको ले चलूंगी कि हरप्पा और मोहनजोदड़ो में क्या क्या एक्सकवेशंस में निकला है और कैसे वो आज तक हमारी ज्योग्राफिकल और हमारी रहन सहन के तरीके और हमारे आचार विचार व्यवहार को कैसे डिपिक्ट करता है और आज भी वही सब कुछ हम करते चले आ रहे हैं। और ये है हमारे कल्चर का पावर, ये है हमारे सिविलाइजेशन का, ये हमारी जो संस्कृति है उसका ये पावर है कि अगर कोई परंपरा उस समय से आज तक बगैर विघ्न के चलती आ रही है, क्यों? क्योंकि जितने भी बड़े सिविलाइजेशंस थे पूरे वर्ल्ड के वो खत्म हो गए। वो कहाँ पाए जाते हैं? म्यूजियम्स में पाए जाते हैं। ग्रीस है पर ग्रीक सिविलाइजेशन नहीं है, एस्टेक मायन रोमन जितनी भी मेसोपोटेमियन बेबीलोनियन जितनी भी विश्व की बड़ी सिविलाइजेशंस है ना वो सिर्फ म्यूजियम्स में रह गई है। सिर्फ यही एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो उस समय से लेके आज तक चलती आ रही है और उस समय ये पूरे विश्व में व्याप्त थी वर्ल्ड ओवर। यू वुड बी शॉक्ड कि यूरोप में भी और अमेरिका में भी और अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में ये संस्कृति है, प्रथम संस्कृति विश्व बारा हम ही लोग थे। महाभारत में पूरी जीनियोलॉजी दी गई है कैसे राजा ययाति के 5 पुत्र थे और कैसे अनु और ध्रुयु को देश निकाला दिया गया था। और उस समय का देश कितना बड़ा था? उस समय का देश इतना बड़ा था कि यूरोप भारत के आउटस्कर्ट्स पे आता था, साइबीरिया भारत के आउटस्कर्ट्स में, भारत वर्ष के आउटस्कर्ट्स में ये वाले देश आते थे। तो जो मेन उनका पुत्र था, जो उनके प्रिय था, कभी अगर आपको ययाति की कहानी सुननी हो, मैंने अपने और टॉक्स में दी है, तो जो मेन उनका पुत्र था ययाति का मेन पुत्र कुरु, उसको ये मिला था ये भारतवर्ष। और कुरु के ही वंश में ये आए हैं, इक्ष्वाकु वंश में ये हमारे राम और हमारे और यादव के वंश में हमारे कृष्ण आए हैं। खैर ये टॉक कहीं और से कहीं और जा रही है, मैं आपको स्क्रीनशॉट फिर से ले चलती हूँ और मैंने अब आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अब जब हम देखते हैं ये कल्चरल कंटिन्यूटी ना, तो जिनको हम आज भी पूजा करते हैं, जो माता दुर्गा है, जो शेरा वाली है, जो शेर पे सवारी करती है, ये पाई गई है वहां पे। कहाँ पे पाई गई है? ये सब हड़प्पा में, सारी चीजें हड़प्पा में मिली हुई है, है ना। ये पशुपतिनाथ, इनकी पूजा हम आज भी करते हैं, ऐसे बेदिंग हाथ मिले हैं, ये यज्ञ कुंड वहां पे मिले हैं, ये यज्ञ सामग्री है, हवन करते हैं हम आज भी, इस तरीके के हवन ही हमारे यहाँ हवन कुंड बनाए जाते हैं, है ना। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसका मैं आप लोगों को जिक्र कर रही थी कि बिंदी सिंदूर, अब ये देखिए, अब आपने मेरी बड़ी सारी बिंदी देखी है ना, ये बिंदी ये हड़प्पा से मिली है। ये जो लेडी है इसको हड़प्पा की डांसिंग गर्ल बोलते हैं, इसने वही चूड़ा पहन रखा है जो आज भी सौराष्ट्र की, गुजरात की, राजस्थान की लेडीज पहनती हैं। ये जो है सिंदूर मांग में भरा हुआ, उस समय के फिगरीन्स में सिंदूर भरा हुआ है मांग में। ये कमर बंद है जो तब भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में ये पहनी जाती थी। और ये जो पायजेब है ये आपने देखा, ये सौराष्ट्र में हमारे ट्राइबल्स और हम लोग, अभी कुछ दिनों पहले हमने देवी दीदी ने डांडिया का प्रोग्राम करा था, मैंने भी पहना था और शायद प्रेरणा भी पहन के आई थी। तो इस तरीके से हमारी जो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है इसकी छाप अगर हमको देखनी है तो हमें ऐसे देखनी पड़ती है कि ये कहाँ से कहाँ तक चले आ रहा है। अच्छा, अब हम ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी तो ऐसे है कि जो मैं कह तो रही हूँ आपको कि यूरोप हमारे आउटस्कर्ट्स में था, साइबेरिया हमारे आउटस्कर्ट्स में था, ये जो सारे स्थान है ना, ये जितने भी ये स्थान हैं,
ये हम ही होते थे, ये ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन वहां तक गए थे कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से और आगे तक गए थे और वहां से टैक्स कलेक्ट करके लाए थे। हमारे राजाओं का ये चलन था कि वो कॉन्कर कर लेते थे परंतु कभी किसी को शोषित नहीं करते थे, कभी किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं कहते थे, अपितु इतने अच्छे ढंग से उनको रूल करते थे कि हम लोग रोल मॉडल्स बनते चले गए और सभी लोगों ने हमारी संस्कृति अपनाते चले गए। ये अफगानिस्तान तो था ही जो 150 साल पहले गया है, पाकिस्तान अभी आप लोगों के सामने गया है, बलूचिस्तान, गिलगितस्तान, ये कुर्दिस्तान, चाइना, ये यूनान, टर्की, बांग्लादेश, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, ये जो साउथ ईस्ट एशिया के जो लैंड्स हैं, ये तो हमारे चोला राजाओं ने अभी अभी कुछ सेंचुरीज पहले ये सारा इन लोगों ने कॉन्कर करा था। और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन हमारी है, ये पूरी की पूरी एंटायर सिविलाइजेशन, ये भारतवर्ष का अगर आप एक्सटेंट देख सकते हैं तो ये हमारी कल्चरल सिग्निफिकेंस, हमारी कल्चरल कंटिन्यूटी, हमारी कल्चरल पहुंच कहाँ तक थी, ये उसको दर्शाता है। हम सब ये कैसे कर पाए? हम सब ये ऐसे कर पाए क्योंकि हम लोग नेविगेशन में नंबर वन थे इन द वर्ल्ड। जब ये यूरोप का नामो निशान नहीं था, हम लोग ट्रेड में नंबर वन थे, हम लोग क्राफ्ट्समैन थे, हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग में हम एक्सपोर्ट थे, हमारे यहाँ से सेलर्स, मर्चेंट्स, ब्राह्मण, प्रीस्ट सब लोग बाहर जाते थे, तभी हमारे पदचिन्ह सब जगह से मिलते चले आ रहे हैं। इन लोगों ने बहुत कोशिश करी दबाने के लिए परंतु ये दबा नहीं पाए। ये सारी सील बोट्स, ये सब हमारे रघुनाथ टेम्पल में है, ये लोथल का पॉट है जो एक्चुअल है, और ये है जो आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है। ये इतने वर्षों के बाद ये सब निकल रहे हैं, जहां पे भी धरती खोदते हैं वहां पे हमारे पदचिन्ह निकलते चले जाते हैं। अच्छा, अब जब मैं कह रही हूँ ये कि किस तरीके से, अगेन ये वही दर्शाता है कि किस तरह से हम नेविगेशन एक्सपर्ट थे और ये किस तरीके से हम लोग कहाँ कहाँ से, अफ्रीका से, एशिया, यूरोप में कहाँ से कहाँ से कहाँ पहुंचे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माता रानी को टॉक देना है और माता रानी के टॉक के लिए तो न जाने ये सपना जी कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं माता रानी के ऊपर। अब हो क्या रहा है, अब जब जहां पे भी विश्व में ये लोग खोद रहे हैं ना, तो इन लोगों को क्या मिल रहा है? इन लोगों को ये मिल रही है, और इनको ये लोग क्या बोलते हैं? इनको ये लोग बोलते हैं, यूरोपियंस बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं वीनसेस। ये लोग कहते हैं कि ये वीनस स्टैचुएट्स मिल रही हैं, और अगर आप देखोगे तो 35,000 साल इनकी डेटिंग हुई है। ये 25 से 29,000 ईयर्स, ये 22,000 ईयर्स, ये हुई है एनाटोलिया में 8,000 साल पुरानी। ये इस तरीके से 5,000 साल से लेके 25-40,000 पुरानी इन लोगों को स्टैचुएट्स मिलती चली जा रही हैं। अब ये लोग तो बड़े हैरान परेशान हो रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं न जाने की क्या चीज है कोई तो, मतलब अगर अगर आप इन लोगों की बुद्धि सुनोगे तो ये कईयों ने तो ये भी लिखा है कि दीज सीम टू बी प्रोस्टिट्यूट्स, दे सीम टू बी ओल्डर विमेन, फैटर विमेन, के ये सारी पूरी रेस ये लोग ओबेसिटी से परेशान होंगी। मतलब जितनी मुंह उतनी बातें, पर ये जो मिलता चला जा रहा है ना, अब मैं जोड़ूंगी कि ये किस तरीके से अब ये तो मिल रहा है पूरे विश्व में, और हमारे हिंदुस्तान में क्या मिला? हमारे हिंदुस्तान में इनको मिला है मेहरगढ़ में, ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस में, हरप्पा में, मोहनजोदड़ो में क्या मिला? ये सारी स्टैचुएट्स मिल रही हैं, ये सारी मिल रही हैं, और ये भी 5,000 से लेके 8-10,000 साल पुरानी। अब मैंने ये स्टडी करने की कोशिश करी कि ये बालों का इस तरीके से ये बनाया हुआ, ये तो मैंने कभी हम तो नहीं अब तक बनाते। पहले तो जैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी दिखाई कि हम तो वैसे ही ड्रेसअप होते हैं, तो ये पता लगा कि ये जो होपी विमेन है, मेक्सिको में एक जाति है जिनको होपी कहा जाता है, वो लोग बाल इस तरीके से बनाते हैं। अब मेक्सिको में जो जाति है उसकी यहाँ पे मिली है हमको, ये सब मिला है हमको इंडिया में। अब देखिए, अब ये आप नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर होता जाएगा। अब जब पता लगा कि है क्या चीज, ये समझ में नहीं आ रहा था क्या है, पर ये हमारे शास्त्रों में पता है कि ये है क्या। हमारे शास्त्रों में हम इनकी पूजा आज तक करते हैं। ये है जो इनको एनाटोलिया में मिला है, टर्की में मिली है, और ये है हमारी ज्येष्ठा देवी। ये जो ज्येष्ठा देवी है ना, इनका जिक्र हम भी ज्यादा आज नहीं जानते। इनका जिक्र हम क्यों नहीं आज जानते, इसलिए मैं बताती हूँ।
अब एक छोटी सी कहानी है कि ज्येष्ठा देवी को हम लोग इस रूप में नहीं जानते क्योंकि हम आज इन्हें इस स्वरूप में पूजा नहीं करते। हम किसकी पूजा करते हैं? दिवाली पे हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और ये जो ज्येष्ठा देवी है ना, ये कौन होती है? इनको अलक्ष्मी पे कहा जाता है। जो लोग पुराणों का अध्ययन करते हैं उन्हें पता लग जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले समुद्र मंथन में से, समुद्र में से कौन निकला था? ये ज्येष्ठा निकली थी। ये ज्येष्ठा किसकी है? ये लक्ष्मी की बड़ी बहन है। इनको अलक्ष्मी भी कहा गया है। जब विष्णु भगवान आए लक्ष्मी से विवाह रचाने के लिए, लक्ष्मी ने कहा मैं नहीं शादी करूंगी आपसे, मेरी बड़ी बहन बैठी है, उसके शादी करे विवाह करे बगैर मैं कैसे कर लूंगी। तो विष्णु बड़े परेशान हुए, तो विष्णु जी ने कहा मुझे तो इनकी शादी करवानी पड़ेगी। तो विष्णु जी ने जिन जिन लोगों को अप्रोच करा, उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि जिस तरह से इनकी शक्ल सूरत है और जिस पर्पज के लिए पैदा हुई है, हम तो इनसे विवाह नहीं रचाएंगे। तो ज्येष्ठा देवी बहुत क्रुद्ध हो गई थी उस समय, और उस समय से ही ज्येष्ठा देवी को मंदिरों के बाहर स्थापित करा जाता है। ज्येष्ठा देवी की पूजा करने से, अलक्ष्मी की पूजा करने से, जो जो चीजें नहीं होनी चाहिए, जो जो चीजें हमें नहीं चाहिए, वो हमें नहीं मिलती। जैसे हम चाहते हैं हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहे, हेल्थ ठीक रहे, हैप्पीनेस रहे, लक्ष्मी रहे, श्री रहे, तो वही सब होता है अगर हम ज्येष्ठा की पूजा करते हैं। तो ज्येष्ठा हमें उन सब चीजों से रोक लेती है, और ज्येष्ठा की पूजा आज तक होती आ रही है। ये यूरोप में जहां जहां मिल रही हैं इनको ये फिगरीन्स, जिसको ये वीनस फिगरीन्स बोलते हैं, जिन्हें इन्हें पता नहीं है ये क्या है, ये सारी मदर गॉडेसेस थी जो पूजी जाती थी, और जो विभिन्न स्वरूप में, जैसे कि अगर एक लड़की है वो कुछ समय बाद एक मदर बनती है, और जब वो मेट्रियार्क बन जाती है, वो घर की जब बड़ी बूढ़ी बन जाती है, तो जो पावर, जो शक्ति उसमें आती है, सबको बचाते हुए चलती है, पूरे परिवार को जोड़ते हुए चलती है। तो ये जो मदर गॉडेस है, ये जो ज्येष्ठा का स्वरूप है, जो ये लोग नहीं पहचानते, वो हम जानते हैं, हमारी संस्कृति जानती है, और हम उसे निरंतर आज तक पूजते आ रहे हैं। मैं फिर आपको स्क्रीन शेयर में ले चलती हूँ। और अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में है, अब हमारी जर्नी शुरू हो रही है कि किस तरीके की गॉडेसेस हैं और कहाँ कहाँ मिलती है, और कैसे हम इनको अपने से जोड़ते हैं, और कैसे ये जुड़ जाती हैं। अगर हम सब जानते हैं हमारी हर देवी के हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं, और हमारी सब देवियों के वाहन होते हैं, इनफैक्ट हमारे सब गॉड्स के वाहन होते हैं। अब इनको ये मिनुअन सिविलाइजेशन है, इनको सीरिया, ईरान, टर्की, इराक में ये सब चीजें मिलती हैं। अब ये देखिए, इसको ये लोग बोलते हैं इश्तार बोलते हैं, और ये जो हमारी चामुंडी है ना, हमारी चामुंडी कौन क्या होती है? शेरा वाली, वो शेर पे सवारी करती है। अब ये इनको वहां पे मिला है, ये सीरिया में इनको मिला है, और ये हमारी चामुंडी है। अब ये किससे लड़ रही है? एक तरफ तो ये तो दो शेरों से लड़ रही है, और ये जो है, जो सिमिलर लुकिंग है, जो, और ये अगर हम नीचे यहाँ पे देख पाएंगे ना, एक सेकेंड मुझे एनोटेट करके वो निकालने दीजिए, क्योंकि मेरा वो नहीं चल रहा है स्पॉटलाइट एरो। अगर आप लोग को दिख रहा है ना, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, तो जैसे ये है ना, ये जो देवी है, एक मिनट में ऊपर कर दूं इसको, तो ये ओहो, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। एनीवे, चीज नहीं चल रहा है, चलिए। तो जो चामुंडा है, और जो हमारी काली, जो हमारी देवी है, जिनके हाथ में जो वाहन है, जिनके हाथ में जो शस्त्र है, जिसके जैसे ये है, ये देखिए, अब ये इसके हाथ में क्या है? जो ये वाली इनाना, ये गॉडेस है इजिप्ट की, ये गॉडेस है, इसके हाथ में ये क्रॉप है, और इस हाथ में, और ये शेर की सवारी कर रही है, जैसे ये आशेरा इश्तार। हेलो, हाँ जी, आपको आवाज नहीं आ रही, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो जैसे ये आशेरा इश्तार, ये मिनुअन सिविलाइजेशन की है, इस देवी ने, इस गॉडेस ने, फिगरीन ने दो स्नेक्स पकड़ रखे हैं। हमारी जो मनसा देवी है, ये मनसा देवी नागों की ही देवी कहलाती हैं,
ये दोनों हाथों में नागों के साथ पूजी जाती हैं। अब ये जो इस तरीके के हाथ रख के दोनों हाथ फैला के ये जो पॉस्चर है ये आपको बहुत सारे सिविलाइजेशन में लेकर चला जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ आप नेक्स्ट। ये है स्वीडन की, ये स्वीडन में एक चर्च में ये बना हुई, ये फिगर बनी हुई है। इस फिगर में क्या है, नीचे तो सारे नाग हैं और ऊपर ये गॉडेस है, तो चर्च के अंदर ये बनी हुई है, इन्हें नहीं पता, परंतु हम आज भी इनकी पूजा करते हैं। वहां पे तो इनको स्नेक विचेस बता दिया गया था, स्वीडन में इनको स्नेक विचेस बता दिया गया था। बेलूर कर्नाटका में ये है नाग कन्या, नाग देवी, जिनकी हम आज भी पूजा करते हैं। अब ये इनको कहाँ मिला है, ये मेक्सिको में मिली है। मेक्सिको में पूरे ये चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे, ये सारे मुंडों की माला पहन के ये देवी इनको मेक्सिको में मिली है। ये है टैटलको कल्चर बोलते हैं, मे बी आई एम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। और ये हमारी चामुंडी देवी है शिवपुरी मध्य प्रदेश में, सारे के सारे ये स्कल्स को के साथ पूजा करते हुए। तो इस तरीके से हर कल्चर में जब हम देखते चले जाएंगे हम शॉक्ड रह जाएंगे कैसे इस कल्चर के कैसे, क्योंकि जहाँ पे ग्रीस में, जहाँ पे रोम में, जहाँ पे लायन और टाइगर है ही नहीं, वहां पे अगर ये देवियां मिलती हैं, वहां पे इतनी पुरानी पुरानी ये जो निकल के आती हैं, तो क्या इसका क्या मतलब है कि या तो हम लोग ले गए थे या हम ही लोग थे जो वहां पे इनको पूजते थे और फिर हम लोग खत्म होते गए और अलग तरीके की सिविलाइजेशन आती गई, कुछ ऐसा ही होगा ना। अब ये सिबेल है, ये ग्रेको रोमन, ये ग्रीस में भी और रोमन में भी, ये दो शेरों के साथ है। ये हमारी जो दुर्गा है शेरावाली, ये बिल्कुल वही चीज है। और ये इसको मुझे खत्म करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, तो ये सिबेल है जिनको ये लोग पूजते हैं। अब जो हमारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी का वाहन क्या है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है ना, आउल। अब ये जो है ये इश्तार जिसको बोलते हैं ये लोग, ये अब कहाँ है, सिर्फ म्यूजियम में, ये ब्रिटिश म्यूजियम में है। और ये सारे आउल्स उसके साथ हैं, ये दिख रहे हैं आपको, चार चार आउल्स उल्लू उसके साथ हैं। और ये उसने हाथ में एक पकड़ा हुआ है। अब इसको इन लोगों ने, वहां पे कुछ लोगों ने लिखा है कि मे बी शी इज अ प्रोस्टिट्यूट यू नो, एंड वो ऐसे विप लेके हाथ में खड़ी है, परंतु ये नागपाश है, ये यम पाश है, ये आज भी हमारी देवियों के हाथ में होता है। ये काली है, ये पाश खींच के जब यम आते हैं तो हमारे प्राणों को खींच के ले जाते हैं, तो काली का भी वही रोल है, प्राणों को खींच के ले जाने के लिए ये यम पाश होता है। और ये हमें अलर्ट करती रहती है कि अच्छे कर्म करो, सबके पास समय लिमिटेड है, अच्छे कर्म करो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा समय कब आ जाएगा, जितना हो सके अच्छे कर्म करो। तो ये जो कल्चर है ये हमें सिखाता है सभ्यता से जीना, ये हमें सिखाता है कि अपने हमारे कर्म हमारे साथ हैं। ये री इनकारनेशन की थ्योरी पे चलता है, ये कर्मों की थ्योरी पे चलता है कि अगर, एक मिनट, ये क्यों नहीं आ रहा, तो कि अगर हम कर्म अच्छे नहीं करेंगे हमें ही भोगना पड़ेगा। पर ये ना बड़े हैरानी की बात है, ये हैरानी की बात ये है कि ये मैन तो इतने बड़े बड़े जानवरों से लड़ नहीं रहे, जहां देखो जो भी सिविलाइजेशन में देखो, औरत, एक स्त्री, एक महिला, एक लेडी, एक वुमन खड़ी है और दोनों तरफ से इतने बड़े बड़े जानवरों को रोक रही है, तो हैरान होते हैं कि माय गॉड कि ये जो है, ये जो फिगर है, ये यहाँ हरप्पा मोहनजोदड़ो के इतने बड़े बड़े टाइगर्स को लड़ लगी अकेली। और ये जो फिगर है ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे करके और उसको पकड़ने की कोशिश चेष्टा में है कि तूने करा कैसे। तो जब अध्ययन के दौरान ये समझ में आया कि ये वो समय था कि जब हंटर गैदरर थे, जब आदमी जो भी थे वो बाहर चले जाते थे भोजन इकट्ठा करने के लिए, जब एक अकेली स्त्री अपने बच्चों के साथ रहती थी तो उसे अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाना होता था जंगली जानवरों से। और उसमें इतनी शक्ति थी कि हमारी ना, मेरी दादी कहती थी कि कई बार तो ये सूप जो आता है ना, इसी से हम जानवरों को मार के भगा सकते हैं, हम नहीं डरते किसी से, हमें इतनी शक्ति है। तो ये जो शक्ति है, जो शक्ति स्वरूपा है, यही हर सिविलाइजेशन में भारत की देन है जो हमें मिलती चली जा रही है।
अब डिस्ट्रैक्ट करती है प्रोटेक्ट करने के लिए कौन, ये जो हमारी माता के विभिन्न स्वरूप हैं। तो नेपाल में कुमारी को, कुमारी लड़कियों को, हम भी तो यहाँ पे कंचक करते हैं ना, जो कंचक करके जो हम अपने घरों में बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि देवी का स्वरूप हम उनमें देख पाते हैं और देवी किस तरीके से कुमारी कन्या से लेके एक गृहस्थ होके एक मैट्रियार्क बनती है, पूरी जर्नी। अभी देखिए ये काली है और ये क्या है, ये जूज में अशेरा नाम की ये डेइटी होती थी, ये भी दोनों लायंस को लड़ रही है, वही पोस्चर है। ये मिनुअन गॉडेस है, एक तरफ लायन से टाइगर से, एक तरफ बफलो को। ये सुमेरिया में इनाना जो इनकी गॉडेस है वो भी वही कर रही है। अब ये जो जहां पे जितने भी ये लैंड है ना, वहां पे लायंस टाइगर्स नहीं पाए जाते, ये सारी देवियां यहीं के हमारी ही देन है इनको, ये लोग चाहे माने चाहे नहीं मानेंगे, अब तो कोई बात नहीं, कुछ समय बाद मानेंगे, पर मानेंगे जरूर। अब ये जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है ना, ये कुंडलिनी शक्ति हमारे शास्त्रों में बताया है ये नाग के रूप में हमारी स्पाइनल कॉर्ड में रहती है, इसीलिए योगासन जितने भी होते हैं स्पाइनल कॉर्ड को इरेक्ट रख के, स्ट्रेट रख के सिखाए जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत काम किया जाता है। ये है ऋषि पतंजलि, ये ऋषि पतंजलि की, क्योंकि इन्होंने ये कुंडलिनी शक्ति की डिस्कवरी की थी कि मेडिटेशन में इनको रिवील हुई थी, तो इसीलिए ऋषि पतंजलि के नाम से जो जितने भी योग सूत्र हैं ये नागों के। और जैसे ये जो ऋषि हैं वशिष्ठ ऋषि जो हाथों को ऐसे रख के रखते थे, जो हैंड रेस्ट होता था ना, वो इसी रूप में बनता था। अब ये जूइश आशेरा उसी तरीके का कुछ पकड़े हुए है। और हमारे ये विष्णु जब भी प्रलय होता है, जब भी ये उस फेज में चले जाते हैं कि जब सृष्टि को नए सिरे से रचना होता है, ये कहाँ जाते हैं, आदिशेष नाग की शैया के ऊपर। तो हमारे कल्चर में, हर कल्चर में नागों की बहुत महत्व है, इसीलिए हम लोग नाग पंचमी भी करते हैं, नागों की पूजा भी करते हैं, परंतु सब कुछ खत्म होते जा रहा है। अब ये बहुत ही शॉकिंग है, ये एक म्यूजियम में ये मिला। म्यूजियम कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट म्यूजियम में। तो एक लेडी जब वहां पे गई और वहां पे तो उन्होंने लिखा था तो सम सॉर्ट ऑफ स्टैचू ऐसा करके लिख दिया था, उनको मेसोपोटामिया से मिला है, 4,000 साल पुराना है, वो लोग ये बताते हैं। पर जैसे ही वो साउथ इंडियन लेडी थी, जैसे ही उसने देखा तो कहती है, अरे ये तो हमारे वो है तिरुपति तिरुमला के हमारे वेंकट। और अगर आप देखो साथ बाय साइड मैंने फोटोज लगाई है, कोई भी नहीं कह सकता कि ये हमारे देवता और देवी नहीं है। अब ये लोग माने तो इनकी मर्जी और नहीं माने तो सो व्हाट, हमें इन पे डिपेंड नहीं करना है, हमें अपना काम करते चले जाना है। इस तरीके से हमें सिमिलैरिटीज मिलती चली जाएंगी मदर गॉडेसेस में। कैसे मिलेंगी, अब ये इश्तार ये इनको मिला है वहां पे, और ये इसका इन्होंने प्रिंट बनाया। इस प्रिंट में अगर आप देखो तो यहाँ पे तिलक भी, बिंदी भी है। ये देखिए ये कहाँ पे मिला है, सीरिया में मिला, एक हाथ अभय मुद्रा में और शेरों के ऊपर बैठी हुई है ये सवारी। ये बिंदी है, अभय मुद्रा में हाथ है, और हमारी लक्ष्मी की ये थर्ड नेत्र है, हमारी लक्ष्मी ये पाश के साथ रहती हैं, और ये ग्रीक गॉडेस है गाइया, मदर अर्थ, हम तो यहाँ पे भू देवी बोलते हैं, हम तो यहाँ पे पृथ्वी को माता बोलते हैं, तो ग्रीक कल्चर में भी गाइया को। और ये हमारी सरस्वती हैं, ये हमारी लक्ष्मी हैं, ये समुद्र में से इनकी उत्पत्ति है, और ऐसे ही इनकी एफ्रोडाइटी की उत्पत्ति भी समुद्र में से है। अब ये एक एक देवी हैं, ये सरस्वती देवी हैं हमारे यहाँ देवियों के जो विभिन्न स्वरूप पे जब मैं आ रही हूँ, तो ये गॉडेस ऑफ नॉलेज है, म्यूजिक, आर्ट्स, विजडम, जो भी कुछ रिफाइंड होता है, जितनी भी स्पीच है, हियरिंग है, संस्कृत की ये अधिष्ठात्री देवी है, इन्हीं की वजह से। तो इनके हाथों में अगर हम ध्यान से देखें ना अपने देवियों को, हमें पता लग जाएगा उनका क्या पर्पस है। एक हाथ में वीणा है इनके, एक हाथ में वेद है, ये वेदों की जननी है, देने
वाली है। तो इस तरीके से हमें सिर्फ हमारे देवी देवताओं का थोड़ा सा अध्ययन करना है और हमें पता लग जाएगा कि हमारी संस्कृति क्या है। अब हमें लक्ष्मी हमेशा दिखाते हैं दो हाथियों के साथ, ऐरावतों के साथ, गज लक्ष्मी कहा जाता है इनको। लक्ष्मी को तो हम सब बहुत पूजते हैं, दिवाली पे भी पूजते हैं, वैसे भी पूजते हैं, परंतु लक्ष्मी कभी भी अकेली नहीं आती। लक्ष्मी अगर विष्णु को हम ध्याएंगे, लक्ष्मी अपने आप स्वतः चलती आएंगी। गलती हम लोग करते हैं कि हम विष्णु को नहीं ध्याते, पहले हम लक्ष्मी को ध्याते हैं। ये है, इन्हें हम चाहे गौरी कहें, चाहे दुर्गा कहें, चाहे पार्वती कहें, चाहे काली कहें, अलग अलग समय इनके अलग अलग स्वरूप होते हैं। यही पैदा करने वाली, यही बचाने वाली, चंडिका स्वरूप बनने वाली यही है। अगर ये देखती है कि इसके परिवार पे, इसके अपनों पे कोई आँच आती है, अपने भक्तों पे कोई आँच आती है, तो खड़ी हो जाती है, चंड मुंड को संहार करती है, मधु कैटअप का, सारे के सारे। जब देवता थक जाते हैं, हार जाते हैं, भगवान थक जाते हैं, हार जाते हैं, इनको इन्वोक करते हैं कि हे देवी, हे चंडेश्वरी, हे देवी, आओ और हमारा त्राण करो, आओ और इन भक्तों, क्योंकि कोई भी देवता, कोई भी भगवान अधूरे हैं इनके बिना। सब भगवान की एक एक कॉन्सॉर्ट है, ब्रह्मा की सरस्वती है, विष्णु की लक्ष्मी है, शिव की शक्ति और पार्वती है, और इनके बिना भगवान अधूरे हैं। भगवान एक स्वरूप में स्थित होते हैं। एक्टिविटी करनी हो, कुछ भी करना हो, तो शक्ति को ही उजागर करना पड़ता है। और अब क्या चल रहा है, अब ये नवरात्र चल रहे हैं, उसमें हम नवदुर्गा की पूजा करते हैं। नवदुर्गा में जो है, जिनके अलग अलग नाम और अलग अलग स्वरूप, अलग अलग वाहन, अलग अलग एट्रीब्यूट्स, तभी हमें इन सभी की पूजा करनी चाहिए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। महागौरी का तीन तीन दिन की पूजा का विधान है कि पहले तीन दिन, फिर तीन दिन, फिर तीन दिन। अब जिस तरीके से ये हमारा कल्चर कहते हैं कि नवरात्र साल में चार बार आते हैं, परंतु मुख्य रूप से दो ही बार मनाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा जिसका वो है ये शारदीय नवरात्र, शरद ऋतु में जो नवरात्र आते हैं। इस समय जो सन और मून और जो प्लैनेट्स का कंजंक्शन होता है और जिस तरीके से स्थिति होती है, इस समय में अगर हम व्रत करके हम अपने आप को समर्पित करते हैं देवी के, पूरी पूजा पाठ विधि विधान से, उसके साथ देवी महात्म, देवी पुराण, तो इसका अलग ही बेनिफिट होता है। और ये सब अगर हम करेंगे तो, अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं। अब ये देखिए, अब यहाँ हम चल रहे हैं आयरलैंड में। आयरलैंड में ये है, ये कहा जाता है, अच्छा लेट मी स्टॉप हियर फॉर अ मिनट। अच्छा, अब मैं आपको, मैंने क्या क्या बिल्डअप करा, आई बिल्ट अप फ्रॉम द वैदिक एज टू द, कि किस तरीके से हमारी कल्चरल कंटिन्यूटी चली आ रही है। आई बिल्ट अप टू द पॉइंट कि किस तरीके से हम देवियों की पूजा करते हैं और वो किस तरीके से हर जगह इनको प्राप्त हुई है वो, परंतु वो इसको जानती नहीं है क्या है। अब मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को ये जो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है, ये जो हम अगर महाभारत का अध्ययन करते हैं, तो कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, अदित, कश्यप ऋषि की चार पत्नियां थी, अदर देन द मेनी ही हैड फोर मेजर वंस, अदिति, दिति, दनु और विंता। तो दिति से दैत्य हुए और दनु से हुए हैं दानव। और दनु, यू वुड बी शॉक टू नो कि आयरलैंड की गॉडेस दनु है, और जो डेन्यूब रिवर है वो दनु के नाम से है, और कितने सारे रिवर्स ऑफ यूरोप सब दनु से शुरू होती हैं। जैसे हमारी गंगा यहाँ पे माँ कही जाती है, वैसे आयरलैंड में आयरिश पीपल की पूरी जीनियोलॉजी में दनु वहां की गॉडेस है। और दनु कौन है, दनु कश्यप ऋषि की पत्नी है, हमारे वेदों में पाई जाती है। तो यानी हम कौन हुए, हमारी ये सभ्यता यूरोपियंस की मदर है, यूरोपियंस की जननी है। हम ही थे जो यहाँ से गए थे जब महाभारत का युद्ध हुआ था, आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन बहुत थोड़े से लोग बचे थे। उस प्रलय के बाद सब लोग चले गए थे अलग 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 अलग। जैसे अब हम देखें, चार पांच पीढ़ी पहले हमारे जो फादर मदर के जो कजिन्स, जो चाचा चाचा ताऊ वगैरह, सारी फैमिलीज अलग अलग हो जाती है ना, अलग अलग होके अलग अलग, उनका टेम्परमेंट अलग अलग तरीके। इसी तरीके से ये जो यहीं के गए हुए लोग हैं, जो अलग अलग इतने गए, ये धीरे धीरे धीरे
अलग कल्चर्स में एसिमिलेट होते चले गए और वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट होते चले गए। ये इन्होंने परंतु कल्चर अप्लाई वही सब चीजें करते थे परंतु वेदों को नहीं मान के और धीरे धीरे विमुख होते चले गए। और जब ये लोग वापस आए तो ये म्लेच्छ बन गए। जब ये ग्रीक्स जो ये यवन है, ये जो आयोनियंस हैं, ये जो यूरोपियंस हैं, सब में हमारी एंसेस्ट्री दिखेगी। अब मैं आपको वापस रेंजर में ले चल रही हूँ। I know there's a lot to grasp, but जितना आप कर लोगे, you can repeat my talks again also, है ना? तो जैसे ध्रुयु और दानव थे, ये लोग वहाँ पे गए थे, सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप पहुंचे थे। अब जैसे मैं आपको रिवर्स का बता रही थी ना, ये देखिए, तो ये धनु है जो कश्यप ऋषि की वो थी, और ये जितनी भी वहाँ की नदियां हैं, डेन्यूब, डाइपर, नाइस्टर, डॉन, डोनेट्स, दुनावेक, और उसके अलावा संस्कृत के इतने शब्द हैं इनकी लैंग्वेजेस में, लिथुआनिया में और ग्रीक में, हर लैंग्वेज में तभी संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? कोई तो रीजन होगा ना। अब हमारी ये मदर गॉडेसेस हैं, ये अष्टभुजा हैं, 18 भुजाओं के साथ पोर्ट्रे की जाती हैं अलग अलग, क्योंकि जितनी मल्टीटास्किंग, अब आप और हम जानते हैं, हम विमेन ना, हम कितनी मल्टीटास्किंग करते हैं। एक ही समय में हम 6 चीजें देख रहे होते हैं उसी समय में, और हम सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। आप मेन को बोलो कि एक से दूसरी चीजें कर ले, वो भी नहीं कर पाते। पर यही है, यही तो है हमारी शक्ति। अब हम यहाँ पे गायों को पूजते हैं, है ना, हम काऊ वर्शिप करते हैं। इसी तरीके से इजिप्ट में काउस की पूजा की जाती थी। और अगर आप ये देखिए, सुरभि कामधेनु का चित्र, और ये इजिप्ट का चित्र है, और ये हैथोर वहां की गॉडेस है जिसे गौ माता हम यहाँ पे बोलते हैं। ये अब वहां पे म्यूजियम्स पे पाई जाती है क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई। इजिप्ट है परंतु इजिप्शियन सिविलाइजेशन नहीं है। जापान और कोरिया में हम कहाँ पाए जाते हैं? जापान और कोरिया में इस तरीके के ये मल्टी आर्म गॉडेसेस मैंने आपको पहले दिखाया था ना। और जो हमारी सरस्वती है जापान में, तो इनफैक्ट गणेश की, विष्णु की, सबकी पूजाएं होती हैं। सरस्वती को वहां पे बेंजाई टेन बोलते हैं, एक सेकेंड, और ये उन्हीं वाद्यों के साथ और उन्हीं किताबों के साथ, पुस्तकों के साथ अलग अलग आइकॉनोग्राफी है, अलग वस्त्र बदल जाते हैं, अलग तरह की डिपिक्शन हो जाती है, जहाँ का कल्चर जैसा होता है, परंतु ये सारी हमारी ही गॉडेसेस हैं। अब बलोचिस्तान और पाकिस्तान में हमारे पत्र चिन्ह, बलोचिस्तान पाकिस्तान तो हम ही थे ना अभी तक, तो 1947 तक, तो बलोचिस्तान शायद भगवान करे बहुत जल्दी हमारा ही हो जाए, हु नोस। तो ये बलोचिस्तान पाकिस्तान में इस तरीके से, जैसे हम जम्मू जाते हैं वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, उस तरीके से वहां पे ये देवियां पाई जाती हैं, शारदा पीठ एलओसी के उस तरफ। अब इसराइल, रशिया, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप के इतने सारे कंट्रीज में कैसे पाई जाती, कहाँ पाई जाती है? ये इनको इसराइल में शिवलिंग और योनि पीठ मिले हैं। ये एलियाट माउंटेन, नेगेव डेजर्ट, इसराइल, लिंगाज एंड योनिस, ये इनको रशिया में मिली है 7th century की माँ काली। ऑस्ट्रेलिया में जिम्पी पिरामिड में इनको गॉडेस लक्ष्मी मिली है। और वहां पे जो पदचिन्ह जो होते हैं, जिनकी पूजा हम करते हैं ना, हम करते हैं देवी की पूजा, हम देवी के फुटप्रिंट्स की पूजा करते हैं, तो ये भी वहां पे मिले हैं। ये सारे पदचिन्ह अलग अलग जगह मिलते जा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान में आज भी, आज ही जब हमने कल घर पे पूजा शुरू करी, हमने खेतरी लगाई है ना, ये ताजिकिस्तान की लड़कियां हैं जो ये कर रही हैं, ये भी 9 दिन की पूजा करती हैं। ये हमारी प्यारी सी, हमारी अपनी भारतीय लड़की, ये ताजिकिस्तान में दुर्गा शेर की सवारी कर रही है, दिखा आपको, ये दुर्गा राइडिंग अ लायन, ये पंजी कैंट में मिली है उनको। इस तरीके से हमारे पदचिन्ह मिलते ही चले जा रहे हैं। पेट्रा और जॉर्डन, जॉर्डन और पेट्रा और भारतवर्ष में हम सिमिलैरिटी देखें तो हम दंग रह जाते हैं। ये हमारे अजंता केव्स हैं, और अब कौन सा अजंता है, कौन सा पेट्रा, यही नहीं पता लगेगा। ये अजंता केव्स का मुख्य द्वार है, ये वहां पे पेट्रा का है। ये किष्किंधा में हमारे शिवलिंग, योनि और शिवलिंग मिले हैं, और ये पेट्रा में मिले हैं। ये देखिए, Can you see? मतलब it's shocking, it's so beautiful to know, अब ये रोमानी कौन लोग होते हैं? ये रोमानी, अगर ये पहला चित्र अगर आप लोग देखोगे ना, ये आपको लगेगा कुंभ मेला का है, ये कुंभ मेला का ही चित्र लग रहा है ना, परंतु ये इंग्लैंड में हो रहा है। ये
ये रिचुअल बाथ ड्यूरिंग द रोमानी पिलग्रिमेज, ये यहीं के लोग थे, ये काली माता को बहुत पूजते थे, ये वहां जब चले गए धीरे धीरे इनका इतना शोषण किया गया, इनकी सारी एक्टिविटीज को कर गए, इनको शहरों में नहीं रहने दिया जाता, आउटस्कर्ट्स में रखते हैं, इन्होंने काली माता को ही वहां पे सारा ये काली बना लिया, इसको ये लोग साड़ी पहनाते हैं और इसको ये लोग नवे दिन इस नदी में बहाते हैं, इसका विसर्जन करते हैं वहां पे, जैसे कुंभ हो रहा है यहाँ पे, ये सारे अंग्रेज मिलके, अंग्रेज भी इनमें बहुत सारे हो गए जो हमारे इतनी पुरानी पीढ़ी में ये लोग हम थे जो बदलते चले गए, और ये सेंट सारा ये काली को ये वहां पे विसर्जन करते हैं। अब ये हम तो तीन देवियों को मानते हैं ना, कि लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा हम मानते हैं ना, तो हम तीन देवियों का जो स्वरूप है ना, यही अब म्यूजियम्स में अलग अलग जगहों के पाया जाता है, यही म्यूजियम में हमें मिलती है इराक से, अल्लात, अलमनात और अलुजा, ये अलुजा की तो बिंदी भी लगी हुई है, इनके कोई क्लोजर फोटो दिखाऊंगी ना, तो ये तीन देवियां हैं जो इराक से मिली हैं पर अब म्यूजियम में है। हाँ, ये अलुजा की बिंदी है, देखिए ये अलुजा की, ये अलुजा है जो अब म्यूजियम में है, ये इतनी सुंदर सी है, अगर आपको दिख रहा है, ये पालमीरा में मिली है, सीरिया में, अल्लात विथ हर लायन, ये दुर्गा, ये देखिए, ये देखिए, अब ये बिल्कुल साड़ी वस्त्र बिल्कुल वैसे ही पहने हुए हैं, और ये इनको म्यूजियम से मिली है। ये सरस्वती ऑन द स्वान, ये ब्रिटिश म्यूजियम में मिली है, ये सऊदी अरेबिया के डिपार्टमेंट में इन्होंने वहां पे रखी हुई है। अच्छा, अब हुआ हमारा टॉक यहाँ पे, एक मिनट का पॉज। हमने जो एस्टैब्लिश करा है कि हमारे जो वैदिक गॉडेसेस थी हर जगह से मिल रही हैं, ये लोग उन्हें जानती नहीं, ये लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक आर्टिफैक्ट है, ये लोग समझते हैं कि सिर्फ एक म्यूजियम का एक हिस्सा है, इन्हें नहीं पता कि एक ऐसा देश है, एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पे ये अब भी पूजी जाती हैं, और वो हम हैं। और अब मैं आप लास्ट के चार या पांच स्लाइड्स बची हैं, मैं आपको ले चलूंगी कनेक्ट करते हुए, कि ये जो हम शक्ति स्वरूपा थी, जो ये जो देश है, जो ये राष्ट्र है, जहाँ पे वेदों में भी ऋषिकाओं के द्वारा लिखे हुए श्लोक हैं, वेदों में ऋषिकाओं के द्वारा, ऋषिकाएं बहुत बड़े बड़े ऋषियों की पत्नियां जज बन के बैठती थी, जब शंकराचार्य क्या का मंदन मिश्रा से शास्त्रार्थ हुआ तब जज कौन था, उभय भारती जज बनी थी ये मंदन मिश्रा की पत्नी। हमारे यहाँ स्त्री को इतने बड़े रूप में अगर हम पूछते हैं, नेचुरली हम विमेन को बहुत अच्छे से रखेंगे घरों में, नेचुरली हम अपनी कन्याओं को या हमारे घर की बेटियों को, हमारे घर की बहुओं को भी लक्ष्मी स्वरूपा ही मानेंगे, और वही हम लोग मानते हैं। परंतु ये वर्ल्ड ओवर इन लोगों ने हिंदुइज्म और सनातन धर्म को खराब करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम लोग कितने खराब हैं, कि हम में कितना कास्टिज्म है, हम में कितनी विमेन के प्रति हमारे यहाँ कितना खराब है, ये लोग गलत गलत स्टैटिस्टिक्स हमें बताते गए और हम मानते चले गए। अंग्रेजों ने आके तो इतना जबरदस्त हम लोगों को बताया कि तुम्हारे यहाँ सती थी, तुम्हारे यहाँ कास्ट था, तुम्हारे यहाँ लेडीज का दर्जा नहीं था, सब गलत। 1940 तक तो ब्रिटिश के में इंग्लैंड को वोटिंग राइट्स नहीं थे। आई थिंक अबाउट 1900 या 1930 तक इनका रिलीजन मानता था कि औरतों में, विमेन में सोल ही नहीं होता, हम लोग जो फीमेल्स हैं वो पत्थरों की तरह, लकड़ियों की तरह है, हम नॉन लिविंग, सोल नहीं है। आप लोग जो भी मैं कुछ कह रही हूँ वो प्लीज गो ऑन गूगल एंड डू योर ओन सर्चेस, मेरी बात को भी मत मानिए, क्योंकि मैं तो जितना बता सकती हूँ शेयर कर सकती हूँ स्टडी कर करके। इन लोगों ने अपने कल्चर की कमियों को, ये लोग विमेन को बहुत गलत तरीके से देखते थे, बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे करते थे, और तभी हमारे देश में हमें विमेन को पर्दे में भी रखना पड़ा, हमें चाइल्ड मैरिजेस भी करने पड़ी, हमें रातों को विवाह करने पड़े, क्योंकि जब ये टर्किक इन्वेजन्स और जब कलोनियल इन्वेजन्स हुए, जब एक दूसरा कल्चर हमारे देश में आया जिसकी आइडियोलॉजी हमसे बिल्कुल डिफरेंट थी, तब बहुत प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद से विमेन की स्टेटस, विमेन की सिचुएशन बदलते चले गए। अब अगर ये हमें कहते हैं हम रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सब गलत। आई विल शो यू स्टैटिस्टिक्स के वैसा कुछ भी नहीं है। हम इन लोगों की बात मान लेते हैं, हमें मीडिया की बात ऐसे नहीं माननी चाहिए, हमें अपने होमवर्क करना चाहिए। हमें ये लोग कहते हैं कि आपके यहाँ फीमेल में क्राइम रेट बहुत है, नहीं, वो भी गलत। हमें ये लोग कहते हैं कि आप लोगों का शोषण होता है,
मुझे तो नहीं पता, मेरी नॉलेज में जितने भी लोग हैं हमारा कोई शोषण होता, वी लिव लाइक महारानीज, लाइक पूरा घर हमारे उस पर चलता है, जैसे हम कह देते हैं हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे सास ससुर, सब कुछ हमारे हिसाब से होता है। पर ये लोग स्टैटिस्टिक्स गलत गलत लाते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कन्वर्जन का एजेंडा, हमें इन्फीरियोरिटी अपने अंदर दिखा के और अलग रिलीजन हम पे लाएं। तो अब जो 4-5 स्लाइड्स लास्ट बची है, आई विल क्विकली शेयर दोस। ओके ओके, सो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो हमारा जो देश है, हमारे देश में फ्रीडम फाइटर्स रही हैं, है ना। हमने ये देखा कि अहिल्या बाई भी यहीं की है, लक्ष्मी रानी लक्ष्मी बाई झांसी की, शिवाजी की जो माता थी जीजा माता, इन्होंने इतने दबंग ढंग से अपने बेटे को पाला कि शिवाजी ने ऑलमोस्ट पूरा हिंदुस्तान एक कर लिया था अंग्रेज आने से पहले। ये हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं कि मुगलों से और अंग्रेजों ने ले लिया, सॉरी इट्स रॉन्ग, इट्स फॉल्स हिस्ट्री। मराठे ऑलमोस्ट सारा कब कर चुके थे, मराठों से एंग्लो मराठा वॉर्स कर करके इन लोगों ने आराम से लिया है, नॉट मुगलों से। हमारे इस लैंड में जबरदस्त लीडर्स रहे हैं, एक सेकेंड की पिक्चर्स और नहीं आ रही, फीमेल लीडर्स आज तक बहुत कम थी नेशंस हैं जिनमें फीमेल प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर अभी भी आए हैं। ये हमारी ऋषिकाएं हैं जो हमारे वेदों में ब्रह्मवादिनियां थी, फ्रीडम फाइटर्स, रोल मॉडल्स ऑफ टूडे। यहाँ पे स्त्रियों की जिस तरह से पूजा, अर्धनारीश्वर यही संस्कृति है जो बोलती है कि हर पुरुष स्त्री के बिना अधूरा, हर स्त्री पुरुष के बिना अधूरी। शिव को और शक्ति को एक ही बताया जाता है, अगर पुरुष वर्ड है तो स्त्री मीनिंग है, अगर पुरुष एबिलिटी है तो स्त्री इंस्पिरेशन है, अगर पुरुष कॉन्सेप्ट है तो स्त्री एक्शन है। अगर वायर है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या, अगर बिजली ही नहीं होगी तो वायर क्या कर लेगा। तो ये हमें समझना होगा कि हमें ये लोग बताते हैं कि आप लोगों का स्टेटस बहुत खराब था, पर वैदिक काल में जो हमारा स्टेटस था, ये देखिए कहाँ पे हम थे। जब मुगल काल और ब्रिटिश काल आया तो कैसे स्टेटस नीचे नीचे जाता गया। अब हम धीरे धीरे फिर से उठने की कोशिश कर रहे हैं, हम चेष्टा करते रहेंगे, हम फिर टॉप पे हो जाएंगे और नंबर वन हो जाएंगे। हमें ये लोग कहते हैं कि फीमेल प्रिजनर्स बहुत है, ये देखिए इतने सारे कंट्रीज के बाद फीमेल प्रिजनर्स, हमारे यहाँ फीमेल्स में बहुत कमती क्राइम रेट है, आप देख रहे हो। इसी तरीके से ये हमें कहते हैं रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी टू से, इतनी सारी कंट्रियों में और हमारा कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी ये हमारे बारे में गलत सलत बोलते जाते हैं इंटरनेशनल मीडिया में, नेशनल मीडिया में, हम इनकी बातों को बिलीव कर लेते हैं। मैं जानती हूँ केसेस होते हैं, मैं मानती हूँ जो थोड़े बहुत भी होते हैं वे बहुत खराब है, नहीं होने चाहिए, परंतु हमें सच्चाई भी पता होनी चाहिए। और साथ में मैं हर लेडी से, हर बच्चे से, हर लड़की से आह्वान करती हूँ, सेल्फ डिफेंस में जरूर अपने आप को सक्षम बनाइए। आप वेट मत करो कि कोई आपके आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। आप अलर्ट रहो, अवेयर रहो, कहाँ जा रहे हो, कैसे चल रहे हो, कौन आपके आगे पीछे है, बी अलर्ट, बी अवेयर। और कुछ नहीं तो मिर्ची का स्प्रे अपने पास रखो एंड बी वेरी केयरफुल। परंतु जिस तरीके से भी हमारे राष्ट्र को डेरिग्रेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर नॉट इवन अमंग द टॉप 20। अब ये मेरी लास्ट स्लाइड है, जो मैं आह्वान करती हूँ कि हमने मदर गॉडेसेस तो देख लिए, हम स्त्री शक्ति हैं, हम पूजा भी उन्हीं लोगों की करते हैं, है ना। हम जब स्त्री की पूजा करते हैं, पर पूजा करने से क्या मतलब है, सिर्फ पूजा करके, अगर मैंने पूजा कर लिया, पूजा मेरी मंदिर में देवी अलग, पूजा अलग और मेरी लाइफ अलग, और कोई मीनिंग नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ये कल्चर वो था जो एक कर देता है, ये कल्चर कहता है जिसकी तुम पूजा करते हो वो तुम स्वयं बन सकते हो, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हें वो एकाकार करना है, तुम्हें अपने अंदर इतनी शक्ति उजागर करनी है कि तुम वही हो। परंतु वो कब होगा, जब आप उसके उस चीज पे आचरण करेंगे। इजी नहीं है कि सिर्फ शब्दों में कह दिया और हो गया, यू हैव टू लिव दैट लाइफ। आपको उस तरीके का आचरण करना पड़ता है, उस तरीके का अध्ययन करना पड़ता है, उस तरीके से अपना जीवन जीना पड़ता है, उतनी क्षमता ऑफ टॉलरेंस, उतनी क्षमता सबको एकत्र करके चलने की, उतनी क्षमता कि कोई कुछ, किसी ने कुछ कह दिया तो क्षमा करने की, भूल जाने की, भुला देने की। जब हम ये सारी क्षमताएं, ये सारी शक्तियां अपने अंदर उजागर कर लेते हैं, तो जिस मात्र शक्ति की, जिस नारी शक्ति की पूजा हम करते हैं, ये वह देश है
जहाँ पे कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता रमते हैं। ये मनुस्मृति का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। और ये लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। हमारे राष्ट्र में नारी की पूजा की जाती है, की जाती थी, की जाती है, की जाती रहेगी। बाकी सब लोग भूल चुके हैं, पर हमें उसको उजागर करना है और हमें पूजा करते हुए अपना एकाकार करते रहना है। एंड वी हैव टू बी दैट शक्ति, सो वी हैव टू अनलीश द शक्ति विद इट। अभी आपको दिख रही है मेरी बुक पीछे, इसका पहली बुक का मेरा टाइटल ये था, अनलीश द शक्ति विद इट, है ना। तो अब ये जो अनलीश द शक्ति है, ये कहाँ से आएगी? ये बाहर से तो नहीं मिलेगी, हमें अपने अंदर से ही उजागर करनी है। हमें हर क्षण हर ये समझना है कि मैं ही हूँ जो अपने आप को संवार सकती हूँ, मैं ही हूँ जो अपने आप को बना सकती हूँ, मैं ही हूँ जो हर पल चूज करती हूँ और मेरा जीवन वैसे बनता चला जाता है। ये एक घंटा आप चूज कर सकते थे कुछ और करना, कोई टीवी का प्रोग्राम देखना, कोई रेडियो का शो सुनना, कोई बाजार जाना, कुछ कुछ करना, बट यू चोज टू बी हियर। एंड ये एक घंटा आपने अपना वैल्यूएबल टाइम यहाँ पे दिया फॉर सम गुड। अगर हमारा हर दिन हम रात को सोएं और सुबह हम कुछ और पावरफुल नहीं उठें, कुछ और स्ट्रांग, कुछ और वाइज, अगर हमारे बालों की चांदी को हम सिर्फ छुपाते रहें और विजडम नहीं आए, तो व्यर्थ है। क्योंकि ये कल्चर हमेशा कहता है, क्या कहता है, चार पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। और हर एक का अंत में है अपने आप को इवॉल्व करना। किस लिए? टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचे। और अब इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, आई एम हियर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क। दी थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा मुझे, लवीना बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा दी, मतलब मुझे भी काफी नॉलेज मिल गई। इतना बढ़िया आपने, आपके ऊपर आपकी मेहनत ही है कि आप इतना पढ़ते हो, इतना स्टडी करते हो, और इतना बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस लता, do you want to open your video, you want to just talk? Yeah, I'm not looking too good, but no worries, you're looking beautiful as usual. No, and you're a Maharani. लता जी, ये भगवान ने जो शरीर दिया, भी सपना ने अपनी टॉक में भी बोला, अगर हम इसी को सजाएंगे, सवारेंगे, तभी अच्छे भगवान के हम सही मायने में, तभी हम भगवान का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने हमें शरीर दिया है ना, उसको सजाया सवारने नहीं रखेंगे ना, क्या करेंगे। तो हम बेसिकली अपने शरीर की तोहिन नहीं कर रहे, हम बेसिकली भगवान के दिए हुए निरामत की तोहिन कर रहे हैं कि भैया इतना अच्छा शरीर दिया, उसको भी नहीं हम ढंग से रख सकते। शक्ल आपकी जैसी भी हो, आप सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। सो यू कैन ओपन योर वीडियो एंड चैट। और अपनी शक्ल के लिए कभी मत बोलना मैं अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं। नहीं, इट्स जस्ट दैट यू नो योर लिटिल केयरलेस सिटिंग एट होम, यू जस्ट नो, इट्स ओके। बट ये ऐसा होता है कि हम जो जैसे हैं, जो भगवान ने हमें जैसा दिया, हम वैसे ही सुंदर हैं। हम बिंदी लगाए या नहीं लगाए, हम सुंदर लग ही रहे हैं। आप इसमें कॉम्प्लेक्स मत करा करो, ठीक है? या थैंक यू, थैंक यू। I have a little serious question, you know, to ask. Okay, हम देवी माँ हैं, अभी इतना बड़ा सेशन हुआ है एक घंटे का, हम देवी माँ हैं, तो हमें अपनी जो शक्ति है अपनी शक्ल से नहीं जानी, हमने अपनी सीरत से जाननी है, अपने अंदर की शक्ति। हां जी लता, आई एम एडिंग यू। हां, टेल मी लता, द क्वेश्चन यू। या, आई हैव एक्चुअली अ वेरी सीरियस क्वेश्चन टू आस्क। यू नो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, बट लाइक यू सेड, यू नो, दिस सती थिंग, आई वॉन्ट टू नो वेन इट स्टार्टेड, वाई इट स्टार्टेड, बिकॉज इसका मेंशन महाभारत में भी है। When Pandu died, then Madhuri had to, you know, she went on the fire, not Kunti, because they said Kunti should look after the children. So please throw some light on that. Thank you. I will. So Sati, Sati is one of the biggest ploy of the colonial masters. Agar Sati ho rahi hoti, to hajaron lakhon satiyan milti. ये लोग हिस्ट्री को ढूंढने, इनको दो या तीन या चार सतियां मिली है और उसको ही उन्होंने सती प्रथा बता दिया। पहली बात तो प्रथा होने का मतलब है, इट्स अ रिचुअल। आप लोग, आई हैव स्पोकन टू एटलीस्ट 200-300 लेडीज के, आप किसी सती को जानते हो जो एक्चुअली आपकी फैमिली में हुई, 4-5-6 पुष्पों में? कहते नहीं, हमने जी रानी सती का नाम सुना है और यह हमने मूवीज में वो देखा है, ये जो जो जौहर वहां पे जो हुआ था। yeah, तो बड़ा लाए है ये सती प्रथा।
इनको जब ये लोग यहाँ पे रूल करना चाहते थे तो दे हैड टू फाइंड फॉल्ट्स, तो इन्होंने जो उनको अगर नहीं मिले इन्होंने क्रिएट करे हैं, इन्होंने कास्ट सिस्टम क्रिएट करा है, इन्होंने सती को क्रिएट करा है. देयर इज अ फैबुलस बुक रिटन, यहीं पे कहीं रखी होगी सती के बारे में, ये मीनाक्षी जैन ने पूरी सती के ऊपर लिखी है. आई एनकरेज यू ऑल टू रीड दिस बुक. इस पूरी बुक में, सती की बुक में, मीनाक्षी जैन हैज गिवन पॉइंट बाय पॉइंट के किस तरीके से इन्होंने क्रिएट करा. और सती नहीं, हमारे यहाँ जौहर था. अगर सती होती तो दशरथ के साथ सारी उसकी रानियां मर जाती, कोई भी नहीं गई ना, सब यही थी ना. No, but why is it mentioned in Mahabharat? That's what I want to know. Sorry. Let me finish. Yeah. Madhuri chose to go. Similarly, a few handful of women chose to go for their own reasons. और जो जौहर किया है वो इसीलिए किया कि अगर वो, वे जानती थी कि तुर्किक इन्वेशन इस तरीके के हैं, ये लोग चीर फाड़ के एक लेडी का इस तरीके से जो हाल करते थे, दे चोज नॉट कि मेरे साथ वो हाल ना हो. तभी इन लोगों ने एन मास ये लोग उसमें अपने आप को सजा के सवार के वो शक्ति इन्वोक करके, इट वॉज नॉट अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, इनको किसी ने फोर्स नहीं करा था. समझ गई थी कि अगर हम नहीं करेंगे ये तो ये जो है ये लोग क्या कर सकते हैं. इन्होंने इतने सेक्स स्लेव्स बनाए, ये बारबेरियंस थे और हैं. वो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, जो वहीं के लोग वहीं वालों से डर रहे हैं. क्यों डर रहे हैं भाई, अब तो वहां पे कोई हिंदू और अफगानी बचा नहीं, पर वहीं के लोग वहीं वाले से डर रहे हैं. बिकॉज दिस इज देयर कल्चर. एंड सती वॉज एंड नेवर वॉज, दिस इज अ प्लॉय, वी हैव टू गेट इट आउट ऑफ आवर हेड्स. नहीं था कभी. एंड जी प्रेरणा, यस प्रेरणा, हाँ जी, एक फोन आ रहा था, मैंने काट दिया. खैर, मैं सपना दी और वंदना को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं और कम लेडीज हैं हमारे देश में जो इस तरह की बातों पे लाइट थ्रो करती हैं. और एक अंदर का हमारा ये आज ये इनवोकिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ यू नो पावर एंड द नॉलेज यू आर इनवोकिंग इन अस, तो ये बहुत अच्छी बात है. और सपना दी मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जब मैं पहली बार आपसे मिली थी ना, मेरे ख्याल से जब देवदीति का फुलकारी का था, तो फर्स्ट टाइम मैंने कदम रखा था, मैं घर से ही तब पहली बार निकली थी. मैं तब तक मैं घर में ही थी, अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी, अपनी फैमिली को देख रही थी. तो मैं शायद 15-16 साल बाद 17 साल बाद घर से निकली, शायद 4 साल पहले की बात है. तो मैं निकलते ही सबसे पहले मैं भगवान को बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मैं सही जगह आई, क्योंकि आज भी मैं बहुत से ग्रुप्स में हूँ, बहुत से क्लब्स में जाती हूँ, पर मैं आज भी, आप बिलीव नहीं करेंगे सपना दी, मैं 10 लोगों को बोल के आई हूँ कि आप देवदीति ज्वाइन करो, वहां पे जैसा कुछ होता है वैसा कहीं नहीं होता. मुझे और किसी चीज से कुछ नहीं लेना, लेकिन ये जो एक आपके अंदर है कि ये जो विजन है ना आप लोगों के अंदर, आप दोनों के अंदर, कि हमें लेडीज के लिए, वुमेन के लिए इतनी नॉलेज, इतना सब, ये आसान काम नहीं है. और अब आपकी ऑरा ही बदल गई है, पता है. तब बहुत खुश हुई थी जब मैं घुसी, मैंने कहा चलो मैं सही जगह लैंड करी, मैं अपने कंजर्वेटिव फैमिली ससुराल से निकल के मैं कहाँ आ गई. अब ये तो मुझे नहीं पता था मैं कहाँ आई हूँ, मैंने तो बस रैंडमली ज्वाइन कर लिया था, पता नहीं किसने मुझे बताया था, तब मैंने ज्वाइन किया था. तो मैं, मेरा इतना रिकग्निशन मुझे मिला, मुझे नहीं पता था कि मेरे को इतना भी लोग एक्नॉलेज कर सकते हैं. इतना प्यार मिला मुझे आप लोगों से, तो मैं, मेरे अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं. मैं ये बात आपसे बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी, बट ये आज मैं बोल रही हूँ. मुझे सही जगह पे लैंड हुई मैं, और आज भी मैं कितने ग्रुप्स में से, अभी भी एक ग्रुप में डांडिया से होकर आ रही हूँ, पर मुझे वो मतलब सब बहुत प्यारे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, अपना बेस्ट करते हैं. बट मेरे अंदर का जो ये, मैं बहुत सेशंस आपके नहीं अटेंड कर पाई, सॉरी, लेकिन मेरे को जब भी अटेंड करती हूँ ना तो मुझे वही पुरानी बातें ध्यान आ जाती हैं. और अब आपकी जो ऑरा बन गई ना आप दोनों की, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि इतना अध्ययन कर लिया, इतना वो अंदर ब्लड में घुस गया आपके. तो मैं चाहती हूँ और लेडीज इससे सब फलीभूत हो, आगे खूब बढ़े, खूब वो करें. आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया, और ये वंदना दी की जर्नी है, क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता था. आप दोनों ने बहुत मार्वलस विजन है एक्चुअली आप दोनों का, ये शुरू से लेकिन जो आप अंदर से ये अपनी अपना अंदर का सुधारना, ये बहुत अमेजिंग है. और इतना एप्रिसिएशन मुझे मिला, इतना एक्नॉलेजमेंट मुझे ससुराल में नहीं मिला, जो मुझे
मायके में मिला, वो मुझे देवदीति में मिला। मैं बताऊं या तो मेरी सबसे बड़ी बात है, अगर हमने 100 लेडीज में से एक को भी ये चीज रियलाइज कर दी कि तुम अपने आप में ही बहुत हो, बिल्कुल वो एक बहुत बड़ी चीज है। देखो तुमको अगर ये फील हुआ देवदीति में आने के बाद कि मेरे में इतना हुनर है या मैं इस लायक हूँ, इट्स यू नो हमारे लिए इट्स मतलब कोई कहते ना गोल्ड मेडल दे दिया, उस तरह की बात है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये मैं आज भी आपकी आपको बिना बताए, आप लोगों को पता भी नहीं चलता, पर मैं कितने लोगों से तारीफ करती हूँ आप दोनों की। नहीं नहीं, तारीफ की बात नहीं है, देखो अपना अपने अपने आप भी करोगे तभी होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होगा, हम तो सिर्फ बातें करेंगे ना। नहीं नहीं, बहुत इंस्पायर करते हो आप लोग। अच्छा प्रेपर, मैं एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, वंदना दी और आपने बहुत सुंदर बोला, तो बेसिकली क्या आपके अंदर जो होता है ना आपको वही टच करता है प्रेरणा। बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं वो चीज टच करती। ये मेरी टीचर ने मुझे पहले दिन बताया था, जब मैं 28-30 साल पहले जुड़ी थी इससे, तो तब वो नया नया गुड़ लगता था, सबको बोलूं सबको बताऊं सबको बताऊं, तो जब भी मैं किसी से शेयर करती थी तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। देन शी टोल्ड मी कि कभी भी किसी को मत बताओ, क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो तुम्हें टच कर रहा, तुम तैयार हो इसके लिए, बाकी लोग नहीं है, इस टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अपन वो करते हैं, बाकी सबको भी फ्री कर देते हैं ना। इस टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं नहीं, कोई नहीं, सब क्लियर हो गया आपके बताने में, इतना वो है, सब क्लियर हो जाता है, एक मिनट। ठीक है ठीक है। एंड लोनिका, आई एम वेरी हैप्पी, बच्चे such a young girl attending, तो future हमें दिख जाता है। अगर छोटे बच्चे attend करते हैं ना, तो हमें future दिख जाता है कि हमारा this culture has to be saved, has to be protected, has to carry forward बेटा। तो वो कब होगा? जब younger बच्चे जुड़ते जाएंगे। You want to ask them any question? You have something to say, बेटा? Actually, civilizations and these all things I am studying in history right now. I understand, Lonika. So whatever I may have said here may go contradictory to what you are studying. But beta, apne exams ke liye to jo tumko school mein padhate hain, tum wohi likhna apne exam mein, apne books mein, apne papers mein, okay? Aur jo extra knowledge main tumko de rahi hu, that is for your own upbringing, for your own grooming. But apne marks lane ke liye to tumhe wahi karna padega jo system chalta aa raha hai, okay? Okay. One last thing, Sapna, if you don't mind. Yeah. When will we get our glorious culture back? Lata, it is not a ke, milk cake ya koi mithai ke kisi ne uthai aur kisi ne de di. है ना? I know. वैसा तो है नहीं, वी ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। लगता है जैसे अगर मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं इतना टॉप प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आप लोग मेहनत करो और उसे शेयर करो। जितना शेयर करोगे जितना इस कल्चर से लोग जुड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने सुन लिया तो अब आपके ऊपर भी ऋण है। ऋण यही तो गुरु जो गुरु ऋण होता है, या ये जो गुरु शिष्य या जो हम कलीग्स एक दूसरे के लिए करते हैं, हम लोग कर्जा अपना बढ़ाते चले जाते हैं। आपका ऋण कैसे चुकेगा जब आप शेयर करोगे या औरों को बताओगे? जैसे प्रेरणा ने लोगों को बताया ना, प्रेरणा चोज टू टेल द अदर्स, है ना? अब उनमें से जो जुड़े जुड़े, नहीं जुड़े नहीं जुड़े, बट शी डिड हर बिट, है ना? इसी तरह से लता, आई ऑल्सो डू एक्चुअली, या इसी तरीके से आप में इतना स्पार्क है। आई सी यू अटेंडिंग ऑल टॉक्स, आई नो यू वांट नॉलेज, आई नो यू आर अ सीकर, बट यू हैव टू स्टार्ट गिविंग। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, जब ये लोनिका की तरह बच्चे हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे ना, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि हम लोग इन्वेजन्स बहुत लंबा समय रहा है और कलोनियलिज्म बहुत रही, और हम अपने आप को उसी कलोनियल चश्मे से अभी भी देखते हैं। हम में से अभी भी कहते नहीं, हम तो धार्मिक नहीं है, हम अपने धर्म वर्म को नहीं मानते, हम तो साइंस समझ के नहीं, ये धर्म है हमारा, धर्म इज नथिंग टू डू विद रिलीजन, सनातन धर्म है। बट क्योंकि हम इतने कलोनियलाइज हो चुके हैं, उन लोगों ने जो जो चीजें खराब बताई हमने सब मान ली, और हमने सब कह लिया सुपरस्टिशियस आउटडेटेड, हम जितने मर्जी, अब हम रिवाइव कर रहे हैं। जो बहुत डूब जाता है ना, ऐसे करके सांस लेता है, फिर धीरे धीरे रिवाइव करता है। टाइम लगेगा, पर सबको योगदान अपना देना पड़ेगा, कोई इससे नहीं बच सकता। जितना आप हवन में आहुति दोगे उतना होता जाएगा। एक बात और, कैसे नहीं पता। हाँ जी, एक बात, एक ह्यूमन लाइब्रेरी करके कॉन्सेप्ट है यूरोप में। सॉरी, मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, अभी आपने मुझे यूरोप की बातें बताई कुछ। कोई बात नहीं, पर कहीं से भी कोई अच्छी बात अगर हमें मिलती है तो हमें ग्रास्प कर लेनी चाहिए। यूरोप से तो बहुत ह्यूमन लाइब्रेरी, ह्यूमन लाइब्रेरी करके एक वहां पे ट्रेडिशन है। मैं सोच रही हूँ, जैसे आप जैसे स्पीकर्स है ना,
और वरना जैसे आप जैसे, तो ह्यूमन लाइब्रेरी में वन ऑन वन सेशन होता है, तो मैंने जैसे मेरा भी छोटा सा एक ग्रुप है उसमें तो मैं थोड़ा बहुत बस मस्ती वस्ती के लिए है, तो उसमें भी मैंने ये डाली थी बात ह्यूमन लाइब्रेरी की, तो वन ऑन वन आप जैसे कोई बुक उठा के जैसे सती टॉपिक उठा के उसमें एनलाइटन करें सबको, तो जितनी भीड़ हम वो साथ बैठी होगी वो एनलाइटन जो होना चाहता है वो अपने रेज हैंड्स करें और आ जाएं, तो ये आपको ठीक लगेगा अगर मैं करूं ऐसा? तो कर सकते हो, मैं तो टॉक्स प्रिपेयर करती ही रहती हूँ, और मेरा तो मानना, मेरा ये मानना है जो कुछ मैंने गुरुओं से सीखा वक्त रहते अगर मैंने नहीं लौटाया तो मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है, ये मेरा ऋण है, मैंने बहुत कुछ ग्रहण करा है बरसों में और अब समय है लौटाने का, नहीं लौटाऊंगी तो फिर ये मेरा ऋण भरता जाएगा, तो आई एम ओपन फॉर इट प्रेरणा, आई एम टोटली ओपन, थैंक यू, टोटली आपसे बात करूंगी। एक चीज ऐड करना चाह रही हूं, जो आपने बिंदी के लिए बोला डॉक्टर सोनन मानसिंह को तो सब जान, कल उनका चलाया हुआ है वर्ल्ड बिंदी डे, कल था ओ, तो मेरे पास कहीं से आई थी बट इट केम वेरी लेट, आई डोंट नो इन दैट से इवन केम लेट टू मी आल्सो, मैं भी यहां सहना सिंह है ना, सहना अपने यहां पे भी आई थी, सहना डॉक्टर सहना सिंह जो उसमें है अपने आईएससी में है, वो भी स्पीकर थे उसमें एक वन ऑफ द सेगमेंट्स में, उसने भी भेजा था तो बहुत लेट आया तो मैं भी नहीं जुड़ा। चलिए वरना दी अपन वाइंड अप करें, 5:20 मेरे ख्याल से किसी को कोई क्वेश्चन, अब आप वाइंड अप कर दीजिए, मैं अपने आप को यस यस थैंक यू। तो देवदीति फाउंडेशन की तरफ से और सपना को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बढ़िया टॉक थी आज, और जैसा प्रेरणा ने कहा देवदीति के लिए तो इट्स अ टाइम टू अ मोमेंट टू बी रियली प्राउड ऑफ, ठीक है आज संस्कृति के ऊपर था लेकिन इंग्लिश मुंह से निकल जाती है, उसके लिए भी आई कांट हेल्प इट, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि पूरा हिंदी में बोलूं लेकिन आदत हो गई है कि मिक्स लैंग्वेज हो गई है हमारी अब इतनी, और अगर अनप्रिपेयर्ड हैं तो वो मिक्स लैंग्वेज में ही जाता है, हम सोच के बैठे कि हमें सिर्फ हिंदी में बोलना है तो पूरा लिखना पड़ेगा, तो और उम्मीद करती हूँ सपना जी से कि आगे भी हमें एनलाइटन करती रहेंगी इस तरह के सेशन से, जैसे इन्होंने आज लता जी ने पूछा सती के बारे में, कितना बढ़िया, चाहे दो सेंटेंस में ही हमारा ज्ञान आया बट स्पॉन्टेनियस था, इस पे हम एक घंटे का भी लेक्चर कर सकते हैं, इस पे हम दो मिनट का भी कर सकते हैं, बट दीज आर द टॉपिक्स विच वी रियली वॉन्ट टू नो, और हम लोग सब स्वाध्याय से डरते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि हम सेशन सुन लें, तो अगर सपना की बदौलत हमें ये सब नॉलेज मिल रही है तो वाई नॉट, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है पढ़िए, और आप यू कैन बी वन ऑफ द स्पीकर्स आल्सो हियर ऑन द देवदीति प्लेटफॉर्म, और लोनिका आप जो अपनी सिविलाइजेशन के लिए पढ़ रहे हो बेटा, इन केस यू थिंक यू कैन गिव अ सेशन ऑन द सिविलाइजेशन हरप्पन सिविलाइजेशन, यू आर मोस्ट वेलकम, तो हम बहुत डिलाइटेड होंगे बच्चों के मुख से सुनने में कि वो सिविलाइजेशन के बारे में क्या समझते हैं क्या जानते हैं, तो इसी के साथ आज का सेशन तो हो गया थोड़ा लंबा, लेकिन देवदीति की तरफ से सपना जी की तरफ से मैं आज्ञा लेती हूँ, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोला वंदना, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंदना, बहुत ही अच्छा बोला, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंदना, थैंक यू, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर फर्क नहीं पड़ता, एफर्ट्स मैटर करते हैं, आप एफर्ट्स करते हैं वो मैटर करते हैं, ओके जी बाय 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 बाय।